कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण इंदौर शहर में बेड ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी सहित कई तरह की परेशानी लोगों को आ रही है। ऐसे में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद और विधायक ने शनिवार दोपहर को चाचा नेहरू हॉस्पिटल का दौरा किया। शहर में लगातार बेड की कमी दूर करने के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते शनिवार को मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हार्डिया और अन्य नेताओं ने चाचा नेहरू अस्पताल का दौरा किया, जहां कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद रहे, जिसमें 100 बेड कोविड के लिए आरक्षित किए गए, जिसमें से आईसीयू बेड 20 रहेंगे, एसडीओ बेड 40 रहेंगे और ऑक्सीजन बेड 40 रहेंगे। पांचवें और छठे फ्लोर पर यह व्यवस्था की गई है। संभवतः यह बेड सोमवार या मंगलवार से उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जी, आप खुद जानते हैं कई दिनों से थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी, एक निर्णय पे हम पहुंचे हैं। इस महाराजा यशवंतराव 100 बेड का कोविड अस्पताल में इसको तब्दील करेंगे, जिसमें से आईसीयू रहेंगे 20, एचडीयू रहेंगे 40 और ऑक्सीजन के रहेंगे 40। पांचवा और छठा फ्लोर ये प्रयास कर रहे हैं और ये मंडे या ट्यूजडे इसको प्रारंभ करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सारे अधिकारियों को निर्देश हम दे चुके हैं। ये जो चाचा नेहरू में है वहाँ बच्चों के लिए उपचार होना चाहिए, तो क्या उस पर भी कोई बातचीत? उस पर ही विचार चल रहा है, उस पर भी आप चिंता क्या करेंगे, क्या तय किया है? बच्चों की बात को कोई टाल सकता है? बच्चों की विचारों पर उसको गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जो निर्णय देना था, जो आदेश देना था, दे चुके हैं। बच्चों का उपचार किस तरह आदेश दिया है? 20 बेड वहाँ आरक्षित रखने की बात कही है क्या? बच्चों के लिए तो हर जगह रिजर्व है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का, हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर का भविष्य तो बच्चे ही। लेकिन मंत्री जी, ना तो MGM चाह रहा था, ना चाचा नेहरू अस्पताल प्रबंधन चाह रहा था, ना MVA अस्पताल प्रबंधन चाह रहा कि ये कोविड में तब्दील किया जाए। देखो, मेरी बात सुनो, संकट बड़ा है, महामारी बड़ी है, और इस संकट के दौर में जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम सबका सहयोग लेंगे, सबका उपयोग लेंगे, और सब लोग सहमत हो। आपने लगभग 15 दिन पहले निर्देश दिए थे कि कोविड अस्पताल में इसको बदला जाएगा, अभी तक उसकी उस दिशा में कोई काम नहीं। कोई कारण होते हैं, कोई वजह होती है, कोई समस्या होती है, उन सारी समस्याओं का वजह उसका सबका आज समाधान हो चुका है, समाधान हो चुका है। देखिए, जिस प्रकार ये बात हुई थी पिछले दिनों की हमें कोविड के बेड बढ़ाना है, और हमारी प्राथमिकता है कि शासकीय स्तर पर ये बेड बढ़ाए जाए, उसी को लेकर आज दो हॉस्पिटल में मुआयना किया गया है, चाचा नेहरू, चूँकि चाचा नेहरू बच्चों का है, और MVA में सबने ये निर्णय लिया कि 100 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल एक फ्लोर बनाई जाए, एक या दो फ्लोर, वो सभी डॉक्टर और अधिकारी मुआयना कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दो दिनों में ये 100 बेड का MVA में कोविड शुरू हो जाएगा। तो बच्चों के लिए भी कुछ हॉस्पिटल, हमने कहा बच्चों के लिए भी विशेष केयर करने के लिए, और उसकी भी चिंता कर रहे हैं। क्या मंत्री जी, कहीं कुछ ऐसा लगा दौरे के, सांसद जी की दौरे में कोई अस्पताल के प्रबंधन जो है वो ना चाहते हो कि यहाँ ना आए दोनों जगह पर? देखिए, ये ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ सभी प्रकार के मरीज आते हैं, तो हम उन सभी बातों की चिंता कर रहे हैं कि नॉन कोविड और कोविड में कहीं भी ऐसी बात नहीं हो कि कोई संक्रमित हो, किसी बीमारी के लिए आ रहा है, तो उसके लिए जो जो दो दिन का समय इसलिए दे रहे हैं कि सभी जगह पार्टीशन करना पड़ेगा नॉन कोविड और कोविड में, उसके लिए निर्देश दे दिए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।